अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते क्या आप खैरियत होंगे मर्दा, क्या आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तारिक महमूद मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी शॉक्स, ऐसा मोदी को देख क्या हो जाता है मेलोनी को। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन पर देंगे। कॉल करते हैं 3-1 वीडियो स्टार्ट। अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो मोदी साहब ने मेलानी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलानी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती हैं। नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं। जो सर ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है। यानी कि बहुत देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गुड़ियां चल रही है, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलानी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है। देखें जो जॉर्जियम इटली जो है, उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है BRI से, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद हैं, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद हैं। मगर हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब अमीरात ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीजा पाबंदियां आयद कर दी हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कंटीन्यूअसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहे हैं। UAE की जानिब से ये इकदाम मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उठाया गया है, जिनमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के गैर जिम्मेदाराना रवैये। हमें जो जॉर्जिया मेलानी है, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी। जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था, तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया। सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाइक और जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मिलोनी, उनकी क्यों हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता ही दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी G20 समिट के लिए ब्राजील में थे। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। G20 समिट के इतर प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी और मेलोनी दोनों ने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के भारत और इटली के बेहतर संबंधों की झलक दिखाई देती है। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें दोनों नेता मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हमेशा बहुत खुशी होती है। भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव और इटली और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की जमकर तारीफ की। वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि मेलोनी से मिलकर उन्हें भी खुशी हुई। तस्वीरों में दोनों की मुलाकात को देखा जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इन दोनों की मुलाकात की खुशी अलग ही होती है। सिर्फ ये जो मीटिंग्स हैं वो तो हुई हैं, जिसमें जैसे कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी साहब की हमें तस्वीरें नजर आती हैं, और ये देखिए ये पिक्चर्स हमें जो जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत ही खूबसूरत जबरदस्त, अपने एक बहुत ही ग्रेसफुल उन्होंने ये ड्रेसिंग की हुई थी और बहुत प्यारी नजर आ रही हैं, और मोदी साहब बड़े खुश हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें इसके अंदर, तो मोदी साहब ने मेलोनी साहिबा का हाथ बहुत ही मजबूती से थामा हुआ है। सर ये जो हाथ है ना, ये बहुत ही मजबूती से उन्होंने थामा है। यानी कि बहुत देखिए आप, वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही गुड़ियां चल रही हैं, नहीं है कि बड़ी दोस्ती। आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स हैं ना, मेलोनी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलोनी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने, यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। तो बात हो रही है अभी, ये जो आपने पिक्चर देखी ना, ये तो आपने देख ली। हमेशा ऐसा ही होता है कि सेल्फी वायरल होती है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लेती। दोस्तों भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है इस सेंस में कि बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं दोनों मुल्कों के हवाले से, उस पर भी हम ज़रूर कमेंट करेंगे। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी पॉपुलर है। दोनों मुल्क जो हैं, ख़ास तौर पर जब आपको याद होगा मोदी साहब G20 में गए, तब भी आपको याद होगा
जिस अंदाज से मुलाकात हुई, फिर जब वो भारत आई थी तब भी उसके ऊपर काफ़ी मीडिया में जो है वो चीज़ें डिस्कस हुई, तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बहरहाल ये G20 की जो समिट है वहाँ पे ये मुलाकात हुई है, और इसमें जो फोकस है जो बड़ा ही हैरानगी की बात है, दैट इज़ ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के ऊपर फोकस है। ये समझ लें कि जिसे आप कह लें कि अमूमन नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को डिस्कस करना उन्होंने शुरू कर दिया लेटर, लेकिन इटली की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है बिकॉज ऑफ बीइंग इन मेडिट्रेनियन। आपको पता है इंडिया इटली की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान, बेसिकली जॉइंट एक्शन प्लान 2025-29 अनाउंस हो चुका है, जिसके ऊपर यही बात की जाती है। ये 5 ईयर्स का प्लान है कि कैसे जॉइंट कलेबोरेशंस करनी है, कैसे नए इनिशिएटिव्स लेने हैं, पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, अमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी में किस तरह काम करना है, और मिनिस्टर लेवल डायलॉग तो इनका ऑलरेडी होता है। आपको मजे की बात बताऊँ, आई वॉज शॉक टू नो कि बहुत सारे इस वक्त यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनका पाकिस्तान के साथ मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है, किसी किस्म का मिनिस्ट्रियल डायलॉग ही कोई नहीं है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जॉर्जिया मिलानी से मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी की, इसमें आप ये समझ लें कि अभी जून में तो मुलाकात हुई थी इटली के अंदर, जब G7 में अभी नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया ही था तो पहले जो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रिप किया वो वहीं का किया, और एक जिसे कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में थी कि नरेंद्र मोदी एक नया फ्रेश मैंडेट अगले 5 साल के लिए लेके आए, तो वो ट्रूडो को, बाइडेन को, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन को, उस वक्त जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सोनक उस वक्त वहाँ पे थे, तो वो सबको बस बता रहे थे कि भाई मैं तो अगले 5 साल हूँ, तुमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो उसमें से 2 तो उड़ गए हैं, ऋषि सोनक उड़ गए, बाइडेन साहब उड़ गए, पीछे जो है वो उधर केयर स्टार्मर आ गए, उधर ट्रंप आ गए, तो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। सो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में है कि इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को अहमियत दे रहे हैं, एंड इंडिया इज़ वर्किंग कि किस तरह हमने मिडल ईस्ट का जो लिंक है उसको कनेक्ट करना है। देखिए इंडिया को जिस चीज़ का एडवांटेज है ना, दैट इज़ ऑफ सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों का एडवांटेज है। और अगर विद इन मिडल ईस्ट इंडिया को इस तरह का लिंक डेवलप कर लेता है तो दैट विल बी ग्रेट। इवन इफ इंडिया इज अनएबल टू बिल्ड दैट लिंक, देन इंडिया विल डेफिनेटली यूज गल्फ ऑफ ईडन एंड जो क्या नाम है उसका, जो इजिप्ट के अंदर स्विस कैनाल है उसका इस्तेमाल करके अपनी जो सप्लाईज हैं वो इटली एंड ग्रीस तक पहुंचा सकता है, एंड देन फिर वो पूरे यूरोप में ऊपर चले जाएंगे। सो ये चीज़ ये बताती है कि इंडिया जो है इट इज़ थिंकिंग लाइक कि हमें ये जो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान है इसके ऊपर बड़े डिफरेंट अंदाज से वो सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि इसमें किस हद तक वो कामयाब होते हैं और क्या करते हैं, बिकॉज अभी तक उनको इसमें अमेरिकन्स की आशीर्वाद इतनी नहीं है। देखें जो जॉर्जियम इटली जो है उसने एक डिस्टेंस इख्तियार किया है BRI से, क्योंकि इटली वॉज कॉन्सिडर्ड एज द ओनली कंट्री विद इन द यूरोप दैट वॉज वेरी क्लोज विद द चाइना, तो उन्होंने थोड़ा सा एक डिस्टेंस क्रिएट किया है। चले जी वीडियो खत्म हो गए भाई। भाई मुझे तो सही पूछा ना, दाल में कुछ काला काला लग रहा है। अरे इतना बड़ा इल्जाम मत लगा भाई, मोदी साहब के समझो कुवारे ही हैं इतने सालों से। नहीं है तो शादीशुदा, शादीशुदा बात है के मतलब कुवारे ही समझ लो भाई। तू किस लिहाज से कुवारा कह रहा है यार? कुवारा मतलब बीवी के साथ तो रहते नहीं है। हाँ तो रहे, किसने रोक रखा है उनको? मोदी साहब ने इतना प्यार तो अपनी वाइफ को भी नहीं देखा होगा जितना प्यार इनको देखते हैं। को कंट्री टू कंट्री रिलेशन के लिए यार दूसरी दुनिया के रिलेशन भी होते हैं। भाई साहब अलग है भाई,
जी बंदी के मेंबर बोलो, है क्या बोलो जैसा मर्जी बोलो भाई, जस्टिन ट्रूडो को छोड़कर ये ना ऐसी आंखें जो मिली हुई है ना भाई साहब, एक बहाना भी है इंडिया का मुलाकात, एक बहाना है ब्राजील के लीडर से मिले, पता है तुम्हें किस तरह? ओ मिलोनी ऐसे नहीं मिलती भाई सबसे, तू जो मर्जी कर ले भाई। अच्छा टेबल वो ना किसी से देखती हो, लेकिन मोदी जी तो सबसे मिल रहे हैं। इस टेबल पे देखा फेस टू फेस, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वो सामने भाई साहब एक दूसरे को ऐसे देख, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, छोड़ोगे क्या गाँव? चलो भाई आपकी मर्जी, आप जिस तरफ भी भाई समझो तो बोले दो, लेकिन ऐसी कोई बात मुझे बोले तो ये दोनों भाई बिगड़ गए एकदम, बोले तो छोरी के हाथ पीले कर देनी चाहिए। हाथ से निकल गई छोरी थोड़ी, तो छोरी हाथ से निकल गई है तो वो ना मुन्ना भाई में बोलता है ऐसे। क्या क्या मूवी, क्या भाई यार भाई दोनों कंट्री। लेकिन एक चीज है भाई, ये भाई सिर्फ हम भी करने देने वाले नहीं, काफी इंडियन भाई भी है और कई पाकिस्तानी भी ये सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है। वो जिस तरह जब मालदीव वाली वीडियो वायरल हुई थी तो इधर पीएम मोदी भाई साहब वो आइलैंड पे गए थे, कौन सा आइलैंड था वो, चलो लक्षद्वीप था या कौन सा था वो, इस तरह का आइलैंड था। हाँ गए थे मालदीव, रिलेशन खराब अनबन चल रही थी। हाँ, तो लक्षद्वीप मोदी साहब ने उधर बस कुर्सी डाल के इस तरह बैठ गए। तो उधर भाई साहब मलोनी की भी एक वीडियो तस्वीर जो काफी ट्विटर पे भी सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई कि एक तरफ भाई साहब पीएम मोदी बीच पे गए हैं, दूसरी तरफ भाई साहब मलोनी जी है वो भी गई हैं उस समय वो खबरें भी चली। और भाई कई तो भाई कई हिंदी जो गाने हैं ना 90s के उनमें रील्स बनी होगी, उन पे भाई साहब जो हीरोइन होती थी उसके ऊपर वो मलोनी का लगाता था फेस और जो हीरो था वो मोदी साहब का लगा था। तो मीम भाई साहब एक से बढ़कर एक बने, लेकिन मोदी साहब सबके साथ ना बड़े गर्मजोशी से ना मिलते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी इस G20 की मीटिंग में जस्टिन ट्रूडो को छोड़कर जितने मेंबर थे भाई साहब से ताल्लुकात भी अच्छे और सबसे अच्छे से मिले, ऐसे ही मेरे मेंबर थे बात है। और स्पेशली जो ब्राजील होस्ट कर रहा है G20 को उसने तो भाई अब बड़ी गर्मजोशी से उसने खींच कर मोदी जी को गले लगाया। नहीं वो बिल्कुल देखा है। और मैं एक बंदा जो है ना जो खास तौर पे पीएम मोदी से मिलते हैं जो दिल से बंदा मिलता है ना भाई, हम भी वीडियो देखते रहते हैं कि एक बंदे का पता लग जाता है जबरदस्ती वाला और खुल के गले मिलने वाला भाई दिखता है, जो फ्रांस के है ना मैक्रोन, वो भी भाई साहब मोदी साहब के साथ मिलते ना उनके चेहरे पे खुशी अलग देखे, वो भी तबकी देखे। हाँ, सही। और भाई डॉक्टर एस जय शंकर ने भी बोला था कि फ्रांस हमारे लिए ऐसे जैसे श्री राम के लिए लक्ष्मण बिल्कुल एक भाई की तरह। तो इसमें तो हमें जो भाई की तरह कहने का मतलब ये है कि भाई हर हाल में साथ खड़े रहना। तो बाकी भाई इंडिया और चाइना की सॉरी इटली की करीबी तब थी कि इंडिया से रास्ता जाएगा, आईएमए कॉरिडोर बनेगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकला था इटली चाइना से वादा तोड़ के आईएमए कॉरिडोर में मिलने के लिए मिला इंडिया सऊदी अरब और ये आईएमए का लड़ गया भाई दुनिया के सारे इतनी जंगे शुरू हो गई है और वो आईएमए कॉरिडोर रुक गया, जंगे शुरू हो गई। अब भाई साहब देखना ये है कि भाई आगे रिलेशन जो है आईएमए कॉरिडोर तो रुक गया, बाकी चाहे इंडिया के साथ और भी तो तरीके हैं कि कुछ एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेड बढ़े, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो मिलोनी के साथ भाई साहब, सिर्फ हंस के मिलने से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा इस तरह के एग्रीमेंट हो तो फिर मजा आए भाई, पता चला कि भाई साहब मोदी साहब के रिलेशन जो है ना जादू काम कर वो गहरे रिलेशन गहरे रिलेशन लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। लेकिन मैं साथ में ये भी सोच रहा था भाई मोदी साहब 70+ हो गए हैं, पता नहीं भावनाएं दिल की खत्म नहीं होती नहीं पता नहीं जबान पता नहीं अगले भाई हमसे ज्यादा समझदार होते समझ जाएंगे। ये बात दिल की भावना तो आ जाते हैं लेकिन सिस्टम काम करना चाहिए। चले जी ठीक है भाई, बाकी पाकिस्तान की बात हो रही थी कि पाकिस्तान को तो भाई साहब सऊदी अरब ही
वीजे नहीं देता यार, कोई और बात करो, हम तो पिछड़े कंट्रियों में भारत अब ना बात है। अच्छा भाई एक और चीज़ है, वीजे देता भाई उन्होंने, नहीं नहीं वो दुबई वाले नहीं देते भाई। मुद्दा ये है मेरे ना, एक अदनान भाई को तो सब भी जानते हैं, वो गए थे सऊदी अरब भी गए हैं, दुबई भी वो रहते रहे हैं, अब वो इटली चले गए। तो भाई उन्होंने ये बोला भाई जितना हम लोग सऊदी अरब वालों को ना रिस्पेक्ट देते ना, भाई उनको बहुत इज्जत करते हैं भाई सऊदी अरब, क्योंकि भाई साफ जा रहा है कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद उधर से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिसकी वजह से हमारी मुस्लिम क़िबला हमारे लिए ना सऊदी अरब के लिए भाई हमारे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। लेकिन उस भाई ने ये बात बताई कि जो सऊदी अरब वाले ने भाई हमको थर्ड क्लास जिस तरह होते ना, ये वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान तीनों के लिए एक बात बोल रहा था कि वो हम तीनों को ना ऐसे ही समझते हैं जिस तरह होते ना थर्ड क्लास, वो वाला चीज समझते हैं ये अरब जो है खास तौर पे। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी भाई रिलेशन तो जिस तरह के वो इंटरनेशनल रिलेशन तो वो चलते रहते हैं, वो मुद्दा देखे ना, हकीकत जो ये है ना कि वो ये अरब जो है ना शुरू से ही थोड़ा सा ना गुरूर वाले थे कि वो अरबियों के अलावा जो गैर अरबी होते ना उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते। चलो जी ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ। और हाँ भाई ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये सारा हमारा देने गंदा है या भाई आपका भी है सही कि ये कुछ चल रहा है, खिचड़ी कुछ पक रही है अंदर में। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।